कश्मीर जन्नत पैराडाइज ऑन दिस अर्थ. तो कीप योर आईज ऑन माय वीडियो टिल द एंड. खूबसूरत वादियों में बैठे हैं, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, तो आप जरूर कश्मीर आइए और ये जगह आप एक्सप्लोर करें. उसमें भी हमको जन्नत का एहसास होगा. मुझे अपने साथ ले चलो. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका. ट्रेवल विद एक्स वाई जेड चैनल में एक बार मैं आपको फिर से स्वागत करती हूं. तो फिलहाल हम जा रहे थे दूध पथरी देखने के लिए और हमने बुक करी थी जिप्सी, जिसका प्राइस था श्रीनगर टू दूध पथरी 2500. तो आइए दोस्तों चलते हैं दूध पथरी की ओर, जो कि कश्मीर का एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है और उसके बारे में हम देते हैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन. हमारा कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ, जन्नत कहते हैं. आप देख सकते हो पूरी तरह यहाँ पे बसंत का रुत है अभी आया हुआ और हर जगह हर ट्रीज में आपको बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे लाखों रंग के आपको यहाँ पे फूल मिलते हैं. जंगलों में भी फूल खिले रहते हैं. वाह, मतलब हर जगह वाइटी वाइट. और हम अभी जा रहे हैं दूध पथरी देखने के लिए. अभी बीच में स्टॉप ले लिए हैं. हमारी वहाँ पे जिप्सी खड़ी है और थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं दूध पथरी. तो दोस्तों, जब रास्ता इतना सुंदर है तो डेस्टिनेशन पता नहीं कितना सुंदर होगा. और श्रीनगर से दूध पथरी जाने में कुल कार से या टैक्सी से अगर आप जाओगे तो करीबन 2 घंटा लगेगा. और जो रास्ता है श्रीनगर से बड़गांव, बड़गांव से खान साहिब, खान साहिब से दूध पथरी का टोटल 45 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो घोड़े वाले होते हैं वो गाड़ी रुकवाने का कहते हैं और घोड़े लेने का कहते हैं, बट आप अपनी गाड़ी मत रुको, आगे की ओर चलते रहो. आपको तो वीडियो बना बना के जाना है, आपको थोड़ी फायदे क्या दोस्तों, आपको पता है दूध पथरी समुंदर तल के 8,960 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में एक कटोरे के आकार की घाटी में स्थित है ये दूध पथरी. तो आइए और जानते हैं दूध पथरी के बारे में. वेलकम टू सैली गंगा. जैसे ही ये बोर्ड आता है लोग आपकी कार और जिप्सी को घेरने लगते हैं कि हॉर्स बुक कर लो. तो यहाँ पे जीप को सैली गंगा लास्ट पॉइंट से आगे गाड़ी नहीं जाती है, तो यहाँ पे या तो हमको हॉर्स करना पड़ता है, वही वो स्कूटर टाइप का करना पड़ता है. तो हॉर्स का जो प्राइस है वो है 2000 करके ये बोल रहे हैं. तो इस तरह से है यहाँ पे, सैली गंगा से आगे गाड़ी नहीं लेके जाने देते. तो ये सारे जो रेट्स है वो गवर्नमेंट के रेट्स यहाँ पे लगी हुई है दूध पथरी देखने के लिए. गवर्नमेंट बोर्ड लगा है. अच्छा, ओके. तो गवर्नमेंट बोर्ड भी उधर लगा पड़ा है, तो वहाँ से भी आप रेट्स चेक कर सकते हैं. या तो घोड़े से जाओ या इस तरह से इसमें जा सकते हैं. तो फिलहाल हम अपना सामान वगैरह थोड़ा बहुत ले लेते हैं अपनी जिप्सी से और फिर चलते हैं दूध पथरी की ओर. तो इस तरह से 2 सिस्टम है दूध पथरी देखने के लिए, या हॉर्स या फिर इस तरह से ATV स्कूटी मिलेगी, वो करके जा सकते हो. सैली गंगा से दूध पथरी की ओर तो राइड बहुत ही अच्छी होगी और हम आपको दिखाएंगे कश्मीर जन्नत पैराडाइज ऑन दिस अर्थ. तो कीप योर आईज ऑन माय वीडियो टिल द एंड. तो हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड ज्योति के साथ. ज्योति का हॉर्स राइड स्टार्ट हो गया है. तो दोस्तों, वी आर ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेस कश्मीर और हम जा रहे हैं दूध
पत्री देखने के लिए, और हमने और ज्योति ने दोनों ने हॉर्स राइड करी है। चढ़ गई है मेरी फ्रेंड एक घर के ऊपर और वहां पे वो कर रही है, पोज दे रही है और हम बैठे हैं यहाँ पे घोड़े के अंदर। तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है फिलहाल, अप्रैल का पहला वीक में मेरे को पता नहीं था इतनी ठंड होएगी। भैया आपका नाम? मेरा नाम इनायत है। अच्छा जी, आप सर? बशीर। अच्छा, तो कितना घंटा लगेगा इधर हॉर्स राइड से, शिला गंगा से दूध पत्री जाने में? तकरीबन दो घंटे से दो घंटा ऊपर जाने में लगेगा और वापस दो घंटा आने में। अच्छा, ये बात है, तो काफी दूर है तब तो। रास्ता कैसा है? रास्ता अच्छा है, रास्ता प्लेन है। प्लेन है, ऊपर ज्यादा उबड़ा खाबड़ा तो नहीं है? मतलब मेरे को तो अभी स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग से ही स्नो दिख रही है, ऊपर पता नहीं कितना लेके जाएंगे। तो ऐसा करके नजारा है सारा कुछ। दूध पत्री नाम का अर्थ है दूध की घाटी। ऐसे कहा जाता है कि कश्मीर के प्रसिद्ध कवि और संत शेख उल आलम ने ये प्रार्थना की थी, और एक बार जब वो प्रार्थना करने के लिए घास के मैदान में पानी की तलाश में थे, पानी खोजने के लिए उसने अपनी छड़ी से ज़मीन पर छेद किया और दूध निकल आया। उन्होंने दूध से कहा कि उसका प्रयोग सिर्फ पीने के लिए ही किया जा सकता है, नहाने के लिए नहीं। ये सुनकर दूध ने तुरंत अपना राज्य पानी में बदल दिया और पास के मैदान का नाम दूध पत्री पड़ गया। देख सकते हो हमने जो हॉर्स राइड करी है वो बिल्कुल बर्फ के अंदर से है, और बर्फ के अंदर से हम देखिए बर्फ़ के पहाड़ों के बर्फ़ में हम लोग कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग। और ये देखिए नज़ारा, देखो पूरा काटा काटा बिखरा हुआ है सारी जगह। मतलब इंसान तो फिसल जाते हैं स्नो में चलने से। भाई आज रिस्क लेके जा रहे हैं हम हॉर्स से, हॉर्स चलेगा स्नो के ऊपर से। बस जय श्री राम, अल्लाह के नाम पे हम बस सेफ रहे, अच्छे से वापस पहुंच जाए। ये देखिए बर्फ बर्फ हर जगह, खूबसूरत। ये देखिए हॉर्स जा रहा है बर्फों के अंदर से, और यहाँ है हम रिस्क लेते हुए अपनी जिंदगी का ये खूबसूरत दुनिया देखने के लिए। रिस्क तो लेना पड़ता है भैया। वर्तमान में जो पानी घास के मैदानों से बह रहा है वही पानी दूर से दूधिया दिखता है और पूरे वर्ष बहुत ठंडा रहता है। विशाल घास के मैदानों पर हरी भरी घास और बड़े पत्थरों के ऊपर से बहती चांदी जैसी चमकती धाराएं इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। दूध पत्री एक ढलानदार घास का परिदृश्य है। क्या नाम है? ऋषिखल। ऋषिखल, अच्छा तो अभी नहीं रहते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, जून समर टाइम में आते हैं। समर टाइम में आते हैं। ये काफी सुंदर है, बना हुआ है, और कहते हैं कि पहला जो मुंडन होता है यहाँ पे ऋषि जी यही करते हैं बच्चों का, है? चलिए ठीक है, काफी सुंदर है ये बना हुआ वुडन हाउस। तो यहाँ तक हमने बर्फ में हमने हॉर्स राइड करी, तो अब यहाँ से हम रोड में जाएंगे। ये हो गई गेट, तो इस गेट से हम जाएंगे रोड में, जाएंगे हॉर्स राइड करेंगे। तो इस तरह से हमने सारा बर्फ़ कवर कर लिया है, तो यहाँ से है रास्ता। चलिए भैया, नाम घोड़ी का नाम क्या है? तो नाम है मस्तान। मस्तान, तो मस्तान के चलते हैं। तो फिलहाल अब आधा रास्ता हम कवर कर रहे हैं रोड से, दूध पत्री की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा हॉर्स राइड अभी भी कंटिन्यू है, और आप देख सकते हो अभी फिलहाल अभी भी दोनों तरफ आपको स्नो दिखेगा कश्मीर में। दूध पत्री में आपको स्पष्ट हवा, बर्फबारी और घने वनों की खूबसूरती का आनंद लेने का अवसर मिलता है। यहाँ के नज़ारे मन को बहुत शांति और सुकून के साथ भर देता है। तो दूध पत्री को कवर करते करते ही आपको देखने को मिल जाएगा सेली गंगा। तो अब आ गया है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो दूध पत्री कवर करने के बाद में अभी हम पहुँच गए साली गंगा में, और यहाँ देखिए आप बिल्कुल वाइटी वाइटी मिल्की मिल्की हर जगह, बहुत ही प्यारा दृश्य है। और जो कैसा लग रहा है? यो, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है।
बहुत ही मजा आ रहा है। चलते हैं अब नीचे जाते हैं, नीचे का व्यू देखते हैं, नीचे किस तरह से है। पहचान गई मैं यहाँ पे को बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट लकड़ियों के सामान है कश्मीर के, और यहाँ बैठे हैं खूबसूरत नजारे के पास में ये भैया। दोस्तों हमने दूध पत्री कवर कर लिया है। दूध पत्री कवर करने के बाद में हम यहाँ पे आए हैं। इतनी सुंदर रिवर है और ये रिवर बहुत ही ठंडी है, बर्फ के पानी से पानी का ही ये रिवर है। और कहा जाता है दूध पत्री में एक बहुत पुराने सेठ थे और वो सेठ पानी की खोज कर रहे थे। पानी की खोज करते करते वो अपने लकड़ी से ऐसे करने लगे, उनको पानी पीना था, तो वहाँ से निकल के आया दूध। तो इसीलिए उसका नाम दूध पत्री रखा गया है और उसे दूध पत्री से बैठा हुआ ये पानी है। इसलिए ये पानी का जो रंग है वो आपको बिल्कुल मिल्की वाइट ही मिल्की लगा देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत पानी है ये और रंग पूरा सफ़ेद है और मौसम बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। बारिश के मजे ले रहे हो कश्मीर में? और तू बन के बैठी है कश्मीर की कली, कश्मीर के सूट पहन के? तो बहुत ठंड होने लगी है एकदम से, बहुत ही ज्यादा ठंड होने लगी है। मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी है और मैंने सोचा कश्मीर में इतना ठंड नहीं होगा, तो आप देख सकते हो मैंने सॉक्स वगैरह कुछ ही नहीं पहना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, एकदम नंगे पांव आई हूँ और ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहने, एकदम एक टी शर्ट और हल्की सी जैकेट पहनी हुई है, वार्मर वगैरह कुछ भी नहीं लिया। मैंने सोचा अब अप्रैल का महीना आ गया है, क्या ज़रूरत है इतना कैरी करने के लिए, बट बहुत ठंडा है कश्मीर तो भाई, आज भी ठंड लग रही है मुझे तो। क्यूटी स्माइल स्माइल प्लीज, मॉम एंड डॉटर कॉम्बो। यू ब्लॉगिंग? या तो यहाँ पे कश्मीरी ड्रेसेस भी लगी हुई है, तो आप रेंट पे लेके पहन सकते हो। खूबसूरत वादियों में बैठे हैं, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, तो आप जरूर कश्मीर आइए और ये जगह आप एक्सप्लोर करें। दूर पत्री के पास में है ये रिवर और बहुत ही खूबसूरत है। दूध पत्थरी कश्मीर एक अद्भुत पर्यटक स्थल है, एन इनक्रेडिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये तो मैंने मान लिया। और कश्मीर में एक ये दूध पत्थरी जो जगह है वो ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य स्थल से जो आपको अपनी शांति और सुंदरता के साथ आत्मा को पूर्ण जीवित करने का अवसर प्रदान करती है। तो इस वीडियो में हम आपको दूध पत्थरी की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन के संभावित माध्यम के बारे में बताएंगे आगे और भी। हल्की हल्की बारिश आने लगी है, हल्की हल्की स्नोफॉल भी होने लगी है, आप देख सकते हो भाई कश्मीर में आते हैं स्नोफॉल भी होने लग गई है। लेट्स मूव, स्नोफॉल होने लग गई दोस्तों, अब हमारा क्या होगा, हम तो प्रॉपर कपड़े भी नहीं लेके आए, स्नोफॉल होने लग गई, अब इन पहाड़ों के बीच में पत्थरों के बीच में कवर करके हम कैसे जाएंगे घर पे, राम ही मालिक है। तो सब बोलो जय श्री राम मिलके ताकि हम अच्छे से घर पहुंच जाए। स्नोफॉल होने लग गया है, स्नोफॉल ऊपर देखो यार कैसा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पुणे से आए। पुणे से कैसा लग रहा है आपको? एंजॉयिंग, अभी सडनली स्नोफॉल होगी कभी सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं था। एक्चुअली यार अमेजिंग, इट्स फीलिंग सो नाइस, सडनली स्नोफॉल हो रही है, ऊपर देखो कोई तक स्नोफॉल हो गई है, वाओ। ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना, कभी बारिश है कभी धूप कभी स्नोफॉल है। ला 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 ला।
तो चलिए अब आगे चलते हैं सेलीगंगा में, और क्या क्या चीज़ें हैं देखने को, खाने को। लेट्स एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड मोर। यहाँ देखो यार, ऐसे पत्थर हैं और सामने है नदी। नदी जाने के लिए पानी को क्रॉस करना बहुत मेहनत का काम है। और एक और चीज़ है वो ये है, देखो प्लास्टिक वगैरह यहीं पर सब कुछ फेंका हुआ है। प्लीज़ हम लोग थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ये सब गंदगी वगैरह। आप खाएँ तो बाकी सब का डस्टबिन है यहाँ पे लगे हुए बहुत जगह यहाँ पे। बहुत सारी फोटोग्राफी करी थी भैया ने। भैया आपका नाम? मोहम्मद शेट्टी। मोहम्मद शेट्टी, ये है कश्मीर से और बहुत अच्छे हैं, तो आप इस जगह के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? इस जगह का नाम है, पुराने जमाने में यहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उसका नाम है शेखुल आलम नूरुद्दीन वली, उनका ज्यारत है यहाँ पे। अच्छा जी। फिर उन्होंने, हमने सुना है, उन्होंने एक जगह पे पानी मांगा, वहाँ से पानी नहीं निकला, उस टाइम तो दूध निकला, इसलिए इस जगह का नाम है दूध पत्थर। वाह, ये उनकी कहानी है। उनका मजार शरीफ फरार शरीफ है। तो यहाँ पे घूमने के साथ साथ में इतिहास भी जुड़ा है। सही बात है, आना चाहिए कश्मीर, ये खूबसूरत नजारा देखना चाहिए। Yes. लेकिन मैडम, हमको भी ऐसे खुशी थी, जहाँ यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं हमको भी खुशी थी। हम भी आपके भाई हूँ, आप हमारे बहन हैं, चाहे कोई भाई आएगा बहन आएगा, हम उसको इज्जत से यहाँ से वापस रिटर्न करेंगे। तो मैम कैसे लगा आपका डेस्टिनेशन, ये कैसा रहा आज का? अच्छा रहा। ये मेरी फ्रेंड आते हुए। तो दोस्तों, एक कश्मीरी बंदा जो कि बहुत ताकतवर था, उसने मुझे गोदी करके एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर था उस पर खड़ा कर दिया, और मेरी टांगें धुजने लग गई थी, ना मैं इधर हिल रही थी ना मैं उधर हिल पा रही थी, एकदम नुकीला पत्थर था, मतलब फट रही थी इतनी भयानक। बस फोटो के लिए मैं सिर्फ ऐसे हंस रही थी और पोज दे रही थी, कब से बोल रही थी भैया हेल्प मी, उतार दो नीचे, लेकिन वो उतारने को रेडी नहीं था, बस उसको अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इतना लगा हुआ था, भाई पूछो मत। ये वाली जगह भी बहुत प्यारी लगती है, हर एक जगह यहाँ पे बहुत ही मस्त है, मजेदार है। कश्मीर में यहाँ इतने घूमने के बाद में बहुत भूख लगने लगी, तो हमने सोचा कुछ बिरयानी खाए, कुछ स्पाइसी चीज, तो हम खा रहे हरी मिर्ची स्पाइसी बिरयानी भेलपुरी ज्योति के साथ में, और देखते हैं खा के कैसा है। काफी मिर्चियाँ डाल रखी है इसमें। स्नोफॉल होने लगी है एकदम से। ये है कश्मीर, कश्मीर से मैं कन्याकुमारी। ये देखिए बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है, एकदम से बहुत तेज स्नोफॉल हो गई है यहाँ। शुरू हम तो निकलने के सोच रहे थे स्नोफॉल। तो दोस्तों, जिस तरह से बीवी अपना मूड बदलती है, उसी तरह से कश्मीर भी अपना मूड बदलता रहता है, कभी धूप कभी बारिश कभी स्नोफॉल। बहुत मज़ा आ रहा है, तो अब जल्दी हम एटीवी स्कूटी बुक करके निकलने वाले हैं, और बहुत ही मस्त राइड होने वाली है। ओहो, लेट्स स्टार्ट, गो ऑन। Thank you.
मज़ा आ रहा है एकदम स्नोफॉल के साथ साथ में। एटीवी राइड का अलग ही मज़ा है। और एक एटीवी में हम बैठे हैं 5 जन, हमने लिफ्ट लेके फ्री में पहुंच गए वापस अपनी जिप्सी के पास में। तो ये बहुत ही मज़ा आ रहा था, एकदम एडवेंचर। तो एटीवी राइड ख़त्म होने के बाद में हम वापस अपने जिप्सी में बैठ गए थे। हमारी जिप्सी खड़ी थी सैली गंगा के पास। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। हाँ डियर, वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अब दूसरा जो डेस्टिनेशन है वो है मेडोज, पारसर मेडोज। वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लेक और बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, हम वापस ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं और नीचे का नज़ारा इस तरह से दिख रहा था। बहुत ही खूबसूरत था ये डेस्टिनेशन सैली गंगा, दूध पथरी। और अब हम तीसरे जा रहे हैं मेडोज़ देखने के लिए। तो वहाँ पे भी हॉर्स वगैरह है, तो देखते हैं क्या है कैसा है करके उसका भी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो ये पास में ही है, जब भी आप दूध पथरी जाओगे, दूध पथरी से वापस आते हुए वो डेस्टिनेशन आप ज़रूर देखना। आप रास्ता देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। मतलब दूध पथरी से आप जब बाहर निकलोगे तो आपको यही रास्ता मिलेगा और इसी रास्ते में आपको वो मेडोज देखने को मिलेगा, पारसर मेडोज। अ ब्यूटीफुल लैंड, अ ब्यूटीफुल जन्नत। बीच में एकदम सर्कल में आपका प्यारा सा पॉन्ड सा लगा हुआ है और मुझे वो हिमाचल याद आ गया, एक पारसकर लेक है ना, उस तरह से बना हुआ है। और यहाँ देखो पहाड़ी भी है, इलाका पहाड़ी वाला इलाका भी है। और पास में यहाँ पे हॉर्स भी राइड कर सकते हो, इस ग्रीनरी में आप हॉर्स का भी मजा उठा सकते हो। चारों तरफ वैली ही वैली है और बहुत ही खूबसूरत नजर है। और देखिये उस पानी के पास जाते बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेक है बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है। तो दूध पथरी से जब हम वापस आ रहे थे तो इसी बीच में हमको ये मैदान देखने को मिला। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे भी आप हॉर्स में बैठ के इस पूरी वैली का गोल गोल घूम के आप मजा उठा सकते हो। आज हम कश्मीर में बन गए हैं घोड़े चलाने वाले और यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे मेरे साथ साथ घोड़े चलाएंगे। घोड़ सवारी करके आ गए ये। This is Kashmir. हेलो ज्योति, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बारिश हो गई है, सारा रास्ता वेट हो गया है। जन्नत का नजारा है। पहले देखा हमने स्नोफॉल और अब बारिश में भीग रहे हैं। ये खूबसूरत नजारे में पहले ही है। साग और रोटी। अच्छा, एक रोटी ओके। आप बैठ जाओ आराम से। हम
क्या खिला रहे हैं? मक्के की साग, मक्के की रोटी। वाह बहुत ही अच्छी है। अभी रास्ते में आते हुए देखा ना आप, वैसे कहाँ से हैं? हम यहीं के लोकल। कौन सी जगह है ये? इसको बोलते हैं रैयार। रैयार गांव है ये, बड़गांव में आता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए। हाँ जी जी, आप इतने सुंदर कैसे होते हो? लाल लाल एकदम क्यूट। क्या बात है, खूबसूरती का राज क्या है? पता नहीं, मुझे भी पूछना। सेम देखो यहाँ पे सभी लोगों के सवाल हैं। यही तो गरम गरम दो प्लेट लगा दीजिए। तो इस तरह से एकदम देसी घी में आपको खाने को मिलेगा यहाँ पे मक्के की रोटी और सरसों का साग, और बहुत ही प्यारी प्यारी कश्मीरी क्यूट क्यूट गर्ल के साथ में खाएंगे हम इनके हाथों की सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए नॉर्थ इंडियन का, आपके लिए मतलब एकदम डिफरेंट होगा ना खाना। अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा। इतना सा साग, इन क्यूट क्यूट लड़कियों के हाथ से कश्मीरी गलियां कह सकती हूं, फूल से कम नहीं है ये लड़कियां। इनके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से जो खाने के लिए जो मजा आएगा वो अलग ही है। मतलब कश्मीर तो जन्नत है ही, प्लस इस रोटी, इनके हाथों का जो रोटी खाएंगे उसमें भी हमको जन्नत का एहसास होगा। मुझे अपने साथ ले चलो। चलिए चलिए आप हमारे साथ चलिए ना। आपको भी रोटी भैया? कश्मीर में कलरफुल फ्लावर्स के साथ साथ में आपको यहाँ पे सरसों की खेती भी बहुत प्यारी प्यारी देखने को मिलेगी। कलर के फ्लावर्स लगे हुए रोड पे ही लगे हुए, इतना खूबसूरत नजारा। तो दोस्तों हमने ये जो डेस्टिनेशन था वो हमने कवर कर लिया है और बहुत ही अच्छी जगह थी। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इसमें मैंने आपको दूध पत्थरी के साथ साथ में मैंने आपको रिवर दिखाई है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा कश्मीर का दिखाया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत ब्लॉग्स आने वाले हैं और शायद मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वीडियो में। और ये है प्यारा सा कश्मीर। ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हसी है, उस हाथ को तुम थाम लो।